इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लीजिए, एंटॉर्क रेस एडिशन एक्सपी का, घुमाइए। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने प्रेजेंट है यहाँ पे ऑल न्यू TVS एंटॉर्क एक्सपी एडिशन, जिसे कि फ्रेंड्स अभी कंपनी ने रिसेंटली ही लॉन्च किया है, फाइनली ये अवेलेबल हो चुका है। तो आज आपको हम इसका एक डिटेल्ड रिव्यू देने वाले हैं, कंपनी ने क्या क्या चेंजेस किया है, कितना प्राइसिंग है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि आपकी कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो एक शोरूम जो इस स्कूटर का कंपनी ने प्राइस रखा है, वो रखा है 83,275 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। बात करते हैं ऑन रोड, तो ऑन रोड ये आपको लगभग में फ्रेंड्स 1,10,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये जो स्कूटर है फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ आया है, इंजन में कंपनी ने चेंजेस किया है और ग्राफिक्स में कंपनी ने चेंजेस किया है। तो चलिए एक एक करके आपको सब हम बताते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट का। तो फ्रंट से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फ्रेंड्स आपको स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी का जो है वो बैज मिल जाता है, इंडियन फ्लैग का लोगो मिल रहा है। और इस साइड में अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको TVS का जो है वो लोगो मिलता है 3D में, एंटॉर्क की बैजिंग आपको मिल जाती है, और यहाँ पे फ्रेंड्स RTFI रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन का स्टिकर और नीचे में 125 रेस XP एडिशन का आपको स्टिकर मिल जाता है। ये अभी कंपनी ने सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है, जिसे कि फ्रेंड्स कंपनी ने यहाँ पर रेड ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन में कंपनी ऑफर कर रही है। इस साइड से आप स्टिकर्स देख पा रहे होंगे, इसका जो व्हील्स है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश टाइप का आपको कंपनी ऑफर कर रही है। अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके फ्रंट टायर के बारे में, तो टायर्स आप देख सकते हैं आपको TVS का ही टायर मिल रहा है, 100x80 का 12-inch का टायर कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि अलॉय व्हील्स के साथ आता है, और इसमें फ्रेंड्स आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है फ्रंट में। तो लुक्स कुछ ऐसा आ रहा है फ्रेंड्स फ्रंट से इस बाइक का, सॉरी इस स्कूटर का। आप हमें बताएं ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा है। ओवरऑल में अगर हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, इसमें आपको 124.8 cc का इंजन मिलता है, जो कि फ्रेंड्स पहले भी मिल रहा था, बट ट्यूनिंग कंपनी ने चेंज कर दिया इस बार। इसका पावर ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, 10.06 BHP का पावर प्रोड्यूस कर रहा है और 10.8 Nm का आपको टॉर्क देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स इसका अगर हम टॉप स्पीड का बात करते हैं तो इसमें दो मोड्स आपको मिलता है फ्रेंड्स, और इसका जो मतलब स्पोर्ट्स मोड है उसमें जो टॉप स्पीड है वो 98 प्लस का आपको टॉप स्पीड देखने को मिलता है, जो कि 8.6 सेकंड्स में ये स्कूटर रीच कर लेता है। एयर कूल्ड इंजन आपको मिल जाता है जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे। और ओवरऑल में फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक आपको रेड टाइप का जो है वो फ़ैन भी दिया गया है, जो कि स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कर रहा है इस स्कूटर को। और लुक्स के मामले में फ्रेंड्स वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हैं कि लुकिंग स्कूटर बन गया है अपने सेगमेंट का, और वन ऑफ़ द मोस्ट पावरफुल भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको रेस की बैजिंग मिल जाती है और एंटॉर्क 125 3D एम्बलम में मिलता है, और यहाँ पे रेड कलर का फ्रेंड्स पैनल्स का यूज़ किया गया है, और आप इसका एग्जॉस्ट देख सकते हैं काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। ये फ्रेंड्स आपको यहाँ CVT RE का बैजिंग मिल जाता है, और एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का लग रहा है। इस साइड से अगर हम बात करते हैं टेल लाइट का, तो टेल लाइट का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, पीछे से टेल लाइट जो है आइकॉनिक जो टेल लाइट चलता आ रहा है एंटॉर्क का, वही मिलता है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वी शेप में, और TVS का लोगो मिल जाता है, बल्ब इंडिकेटर्स कंपनी प्रोवाइड करती है, और फेक एयर वेंट्स टाइप का यहाँ पे आपको पीछे से लुक मिलता है, जो कि काफ़ी मस्कुलर लगता है। फ्यूल फिलिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, और सीट आपको यहाँ मिल जाता है। सीट में फ्रेंड्स आपको रेड कलर का स्टिचिंग का कंपनी ने यूज़ किया है, डुअल टोन में सीट्स कंपनी ऑफर करती है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंटॉर्क की बैजिंग है, सेम रेस वाला स्टिकरिंग आपको इस साइड भी मिल जाता है, और नीचे में फ्रेंड्स 3 बल्ब का आपको यहाँ पे बैजिंग मिलता है। फुटरेस्ट आप देख सकते हैं, लेडीज़ फुटरेस्ट आपको मिल जाता है कुछ इस टाइप का है, जैसे कि अभी आप देख भी पा रहे होंगे, और किक भी मिल जाता है इसमें, तो सेल्फ और किक दोनों के साथ ही आ जाता है। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम फुट स्पेस वगैरह की, तो वो सब सेम है। इंडिकेटर्स फ्रंट में यहाँ पे मिल जाता है। बात करते हैं हम इसके हैंडल के बारे में, तो चलिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पे मीटर कंसोल वगैरह। तो इसमें आपको दो मोड्स मिल जाता है फ्रेंड्स, आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और मीटर कंसोल जो पहले भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता था अभी भी आ रहा है, और कंपनी ने इसमें फ्रेंड्स अभी यहाँ पर वॉइस कमांड को भी ऐड कर दिया है, जिससे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर कमांड देकर स्कूटर को यूज़ कर सकते हैं, और फर्स्ट इन सेगमेंट ये अब बन गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स आप मोड्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ पे आपको टाइम वगैरह सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है।
मीटर कंसोल सेम पहले जैसा ही है, लुक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हाई बीम लो बीम का स्विच, ये आपको इंडिकेटर्स का स्विच मिल जाता है। हॉर्न यहाँ पे है, तो हॉर्न मैंने आपको सुना दिया। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको DRLs का जो है वो ऑप्शन मिल जाता है, हैजार्ड फ्लैशर का ये ऑप्शन है। यहाँ से फ्रेंड्स आप इंडिकेटर्स जो है उसे आप ऑन कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे चारों इंडिकेटर्स जो है वो जलने लगता है। तो ये भी फ्रेंड्स एक काफ़ी प्लस पॉइंट है आपको यहाँ पे मिल रहा है। हैजार्ड लाइट का एक मतलब स्पेसिफिक कंपनी स्विच आपको प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट और मोड और वॉइस कमांड का यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाता है। और ये फ्रेंड्स आपको इंजन किल स्विच यहाँ पे मिल रहा है। तो लुक्स आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको लुक्स मिल रहा है। यहाँ पे रेस एडिशन की बैजिंग मिल रही है। और ओवरऑल में फ्रेंड्स लुक्स के मामले में मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको इसका जो लुक्स है वो कैसा लगा है। और स्पेशली फ्रेंड्स अगर अंडर सीट स्टोरेज की हम बात करते हैं तो एक बार मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप फ्रेंड्स इसे लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो फ्यूल फिलिंग ऑप्शन जो है वो खुलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेफ़्ट साइड हमने घुमाया तो ये ओपन हो गया और ईज़िली आप पुश करके इसे बंद कर सकते हैं। और आप अगर इसे राइट साइड पे मूव करेंगे तो आपका सीट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो सीट आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको USB चार्जिंग मिल जाता है, फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए एक बूट लाइट मिल जाता है। और एक काफ़ी बिग साइज़ का आपको कंपनी यहाँ पे बूट जो है वो प्रोवाइड करती है। इसमें आपका एक हेलमेट आ जाएगा आराम से, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इसका जो सीट का स्टोरेज है, अंडर सीट स्टोरेज वो आपको मिलता है। तो सीट की कुशनिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी मतलब कुशन्ड सीट कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। और ये भी आप बोल सकते हैं कि मतलब एक प्लस पॉइंट बन जाता है। सीट की कुशनिंग में कंपनी ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। काफ़ी ब्रॉडर सीट भी मिलता है आपको, तो ईज़िली फ्रेंड्स आप इसमें बैठ कर कम्यूटिंग वगैरह कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लॉक मैकेनिज्म भी मिल जाता है। आप इजीली फ्रेंड्स अगर कहीं आप बाइक को या अपने स्कूटर को अगर पार्क कर रहे हैं तो आप इसे लगा सकते हैं, जिससे कि वो इधर उधर मूव नहीं होगा, जो कि मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है। और अभी फ्रेंड्स लगभग आपको सभी स्कूटीज़ धीरे धीरे ये सब फीचर्स, छोटे मोटे फीचर्स ऑफर कर रही है। यहाँ पे आपको मेन स्टैंड मिल जाता है, साइड स्टैंड मिल जाता है। और प्राइसिंग भी कंपनी ने ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया है। आप यहाँ पर ये सब की क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंपनी आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है। ये सब का पिलियन वगैरह का भी यहाँ पे कंपनी ने ध्यान रखा है। और लुक्स फ्रेंड्स इसमें आपको टोटल अब चार वेरिएंट्स आ गया है। एक बेसिक वेरिएंट आता है, एक फ्रेंड्स आ जाता है इसमें रेस एडिशन, एक आ जाता है सुपर स्क्वाड एडिशन, और अब एक ये न्यू वेरियंट और ऐड हो गया है रेस XP एडिशन। तो आप ज़रूर बताएँ फ्रेंड्स कि आपको इसका लुक्स कैसा लगा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। होप करता हूँ फ्रेंड्स आपके जितने भी डाउट्स होगी वो